आप सब एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट खास टॉपिक, हाउ मैनी ब्रिक इन वन क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर में हम कितनी ब्रिक निकालते हैं, कितनी ब्रिक होती हैं। देखो हम कैसे निकालेंगे, तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्रिक बनाई हुई है। ब्रिक देखिए, ब्रिक का जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रॉग, जिसमें वो गड्ढा सा बना होता है वो होता है फ्रॉग। ब्रिक की यहाँ पे तीन साइड मैंने दिखाई हुई है आपको। 190 mm इसकी लेंथ होती है और 90 mm होती है इसकी हाइट और 90 mm होती है इसकी ब्रिथ। ठीक है, तो हमें यही जानना है कि एक क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक, अगर आपने ऐसे बेसिक जानकारी ऑफ ए सिविल इंजीनियर, जैसे ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, विद मोटर क्या होता है, अगर ऐसी ही सिविल से रिलेटेड जानकारी की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मैंने 20-25 वीडियो ऐसी डाली हुई हैं दबंग सीरीज में। आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक कितना है अपना, 190 mm x 90 mm। ठीक है, विद मोर्टार साइज, इसका जो ब्रिक का है विद मोर्टार साइज, इसमें 10 mm चारों तरफ जो है ब्रिक में मसाला लगता है, तो विद मोर्टार साइज जो अपना क्या होगा, 200 × 100 × 100। ठीक है, 200 × 100 × 100 mm, समझ गए दोस्तों। अब देखिए, हमें ब्रिक निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ इन सेंटीमीटर ब्रिक साइज, ब्रिक साइज है जो इन सेंटीमीटर में कितना होगा। यदि देखिए आपको पता होगा कि एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ 200 mm है, 200 mm को हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 20 cm। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 100 है तो 100 को हम 10 से भाग देंगे, कितना आ गया, 10 cm। इधर भी ये 100 है, 100 mm को 10 से भाग देंगे तो 10 cm। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या है कि इन तीनों को गुना कर दिया, ये हमें एरिया चाहिए ब्रिक का, इसलिए हमें गुना किया। गुना किस लिए किया है, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमें ब्रिक का एक एरिया मिल गया। ठीक है, कितना आ गया अपना, 2000 cm। ठीक है, देखिए अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए वन क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर में हमें जानना था कि कितनी ब्रिक होती है, हमें निकालनी है। देखिए एक क्यूबिक मीटर का जो एरिया होता है 1 m × 1 m × 1 m, मतलब एक क्यूब है उसकी जो तीन साइड है वो एक एक मीटर की है तीनों। ठीक है, इन सेंटीमीटर में जैसे हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज किया, तो अब इस चीज को भी यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तभी तो हमारी ब्रिक निकल के आएंगी। देखो, या तो दोनों यूनिट हमारी एमएम में होनी चाहिए थी, या दोनों यूनिट हमारी मीटर में होनी चाहिए थी, या दोनों मीटर हमारी, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर लेके चले हैं। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए वन क्यूबिक मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए एक मीटर में आपको पता है 1000 mm होता है। ठीक है, तो 1000 को हम 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 100 cm। ठीक है, इधर भी अपना 100 cm, इधर भी अपना 100 cm। ठीक है, यहाँ देखिए हमने सिंपल सा है 10 से भाग कर दिया है। यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ 1000 mm है, समझे, एक मीटर लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ ए वन क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम टोटल कितना आया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, 1,000, 10,000, 10,000, 10 लाख cm³। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर्स ऑफ ब्रिक। देखिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए वन क्यूबिक मीटर का एरिया आ गया और हमारे पास एक ब्रिक का एरिया आ गया, हमारे एक ब्रिक का कितना एरिया होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वन क्यूबिक मीटर वाले एरिया को हम ब्रिक के एरिया से भाग दे देंगे तो हमारे ब्रिक निकल के आ जाएंगे। देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, आप ये ध्यान कर लेना, ये फार्मूला नंबर ऑफ ए ब्रिक्स कैसे फाइंड करनी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए वन क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम, जो हमारा एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है अपना ये है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक विद मोर्टार, विद मोर्टार अपना जो वॉल्यूम निकला है 2000 cm ये वाला है। ठीक है,
तो हम इसको भाग दे देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 10 लाख इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये एरिया मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी जगह ये आ गया। और वॉल्यूम ऑफ ए वन ब्रिक का ये आ गया 2000, ठीक है। मैंने यहाँ से 3 0 ये काट दी, 3 0 अपने ये काट दी, 1000 बचा, सिंपल सा है, 1000 भाग में 2 बचे हैं, काट दिया, कितना हो गया 500, वही मैंने लिखा है 500 नंबर ब्रिक्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारी 1 क्यूबिक मीटर में 500 नंबर ब्रिक आती हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने डेंसिटी वाले पार्ट डाले थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक हमें वजन जो है कितना होता है, हम कैसे निकालते हैं, तो आज मैंने आपको वही बताया है, ठीक है। तो डेंसिटी है जो हमारी वो बिल्कुल फिक्स होती है 1 क्यूबिक मीटर में। हमारा जैसे स्टील है, तो अगर हम 1 क्यूबिक मीटर का एक बॉक्स बनाएंगे तो उसमें अगर हम स्टील भरते हैं तो 7850 केजी आएगा, ठीक है। तो बताएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।